तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा फैंटेसी में। और फिर यार T10 मैच कवर करने आ गए। लगातार T10 में तो भाई वन साइडेडली विनिंग चल रही है। कल भी हमने क्लीन स्वीप करा सभी T10 में और आज भी हम इस मैच में विनिंग करेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। चलिए ये मैच खेला जाने वाला है हरारे और केपटाउन के बीच, काफ़ी अच्छा मैच होगा। कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है हमको, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है और स्मॉल लीग की क्या टीम होने वाली है, सभी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक बार आपको टीम से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। इस मैच की जो फाइनल टीम होगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की, वो आपको वैसे टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आप क्लीन स्वीप भी कराए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारी टीम के बारे में तो देखिए काफ़ी भाई गिव अवे बोल रहे थे, तो एक बार आपको गिव अवे समझा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने 5000 का गिव अवे रखा है। देखो इस वीडियो में मैंने जो है 5000 रुपये का फ्री गिव अवे रखा है। 5000 रुपये आपको पेटीएम में मिलने वाले, कैसे मिलेंगे और कैसे आप गिव अवे ज्वाइन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और सेकेंड आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो 50 बंदे सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन 50 में से 15 बंदों को जो है मैं 5000 रुपये का पेटीएम देने वाला हूँ, ये हमारा गिव अवे रहने वाला है। तो फटाफट से एक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब बात करें हमारी टीम की, विकेटकीपर में गुरबाज का ऑप्शन है और गुरबाज ओपन करेगा और खास कर ये ओपनर खतरनाक है भाई, वो T10 में तो ये और भी तगड़ा बन सकता है। वैसे लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, इनके क्या परफॉर्मेंस आए, तो लास्ट 5 मैचेस में 180+ रन इन्होंने करे और वैसे तो ताबड़तोड़ प्लेयर है, देखो T10 में तो इसको रखना ही पड़ेगा। रॉबिन उथप्पा के बारे में बात करिए, ओपन करेंगे लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, ओपनर अच्छे बट थोड़ा T10 में इतने शायद रन नहीं बनाए, लेकिन आपको 20-25 रन करके दे सकते हैं और फिर विकेट कीपिंग करेंगे, कुछ कैच पकड़ के दे देंगे। लास्ट मैच में सबसे बड़ी बात है 0 रन पे आउट हो गया और 0 वाला जो प्लेयर होता है ना वो हमेशा हीरो बनता ही है भाई, तो इस मैच में ये बड़ा करके दे सकता है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। पटेल के बारे में बात करें, पार्थिव पटेल, अब इनका सिलेक्शन 34% है लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 पे रहता है और T10 में ये नंबर 7 बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसलिए मैं इनको नहीं लूँगा। अब लास्ट मैच में इन्होंने 37 रन जरूर बनाए, यानी कि 37 रन वो भी 14 बॉल्स में, लेकिन देखो हमेशा हर मैच में नंबर 7 पे आके 37 रन बना देगा आपको 14 बॉल में, वो पॉसिबल मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। दो हमारे पास अच्छे विकेट कीपर है तो मुझे लगता है इनके साथ जाएंगे तो बेहतर ऑप्शन है। बैटिंग के बारे में बात करें, भानुका राजपक्षा का ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 आपको खेलते हुए नजर आने वाले, लेकिन थोड़ी फॉर्म इनकी जो है डगमगा सी रही है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, तकरीबन 70+ इन्होंने रन करे, आप इनको ट्राई करके चल सकते हो। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें मॉर्गन के बारे में, मॉर्गन जो है आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वो T20 का एक खतरनाक प्लेयर है भाई, अगर एक टाइम आप देखोगे, वैसे थोड़ी सी रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी गंदी हो गई थी उस वजह से रिटायरमेंट लिया, लेकिन प्लेयर बड़ा है, चल गया वन साइडेड विन करवा देगा। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ तो तकरीबन 45+ इन्होंने रन करे, लेकिन मॉर्गन इस मैच के लिए आपके लिए मस्ट पिक होगा, तो इनको मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें दोस्तों डोनोवन फेरिया के बारे में, 1 डाउन नंबर 3 बैटिंग करेंगे, आप ट्राई करके चल सकते हो, रिकॉर्ड अच्छा है। लास्ट अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूँ इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई लास्ट 5 मैचेस में 250+ रन इस बंदे ने करे हैं, आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें सी जुआओ के बारे में, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 80+ रन करे, ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए लास्ट मैच में नजर आ रहे थे, इसलिए मैं इनको अभी अपनी टीम में नहीं रख रहा, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो भानुका राजपक्षा को रख सकते हो। वहीं अगर हम ऑलराउंडर के बारे में बात करें, सीन विलियम्स आपके पास मस्ट ऑप्शन होने वाले, नंबर 4 पे ही बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग भी करवा लेते, हालांकि लास्ट मैच में नहीं करवाई बट करवाते, और हाल ही में
टी जो है यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस हुए थे उसमें गजब का फॉर्म था, तो भाई ये बंदा तो आपके लिए तगड़ा परफॉर्म करके दे सकता है। अगर मैं आपको लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड बताऊँ तो 350 से ज़्यादा रन बनाए। नबी आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग करा के देंगे और यहाँ पे जो टी टेन में नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मिनट में बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है हर मैच में नहीं करेंगे, आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ इरफान पठान के बारे में। अगर मैं बात करूँ लास्ट मैच के बारे में क्या इनका परफॉर्मेंस रहा था, तो देखो लास्ट मैच में इरफान पठान ने जो है दोस्तों बॉलिंग जो होती है ना वो करवाई नहीं, और यही मैं आपको बोल रहा था कि इरफान पठान मेरे हिसाब से बॉलिंग ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम बाद एक तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर एज भी ज़्यादा हो चुकी है, इंजरी विंजरी के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं इरफान पठान को नहीं ले रहा हूँ। आप चाहो तो रख सकते हो, बट ये शायद बैटिंग ही करे और बैटिंग से मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं। करीम जन्नत के बारे में बात करें, नंबर 5 बैटिंग करेंगे प्लस ये बॉलिंग भी करेंगे, इसलिए आपके लिए मस्ट ऑप्शन है और मैं इनको अपनी टीम में ले रहा हूँ। एस पटेल के बारे में बात करें, समित पटेल नंबर 5 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, बॉलिंग लास्ट मैच में करवाई नहीं बट ये बॉलिंग करवाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसमें इन्होंने 90 प्लस रन करे और बॉलिंग से 3 विकेट निकाले। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो रख लीजिएगा, बॉलिंग में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं अगर यहाँ से हम बात करें जोंगवी के बारे में, दोस्तों बैटिंग ऑर्डर जो रहने वाला है वो नंबर 8 रहने वाला है, बट ये बंदा बॉलिंग करवाएगा, हालांकि लास्ट 3 मैचेस में बॉलिंग से इन्होंने जो है 4 विकेट निकाले, ट्राई करके चल सकते हो। मबूता एक गेम चेंजर प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि स्पिनर है वो T10 में स्पिनर को हिट करना मुश्किल है। लास्ट 5 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने निकाले, मबूता जरूर आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, इसलिए मैं इनका बोल रहा हूँ आप इनको लेके चल सकते हो। फिलहाल अगर मैं बात करूँ 4 हमारे जो है यहाँ से ऑलराउंडर रहने वाले, बाकी बॉलिंग में बात करें मुजीबुर रहमान का ऑप्शन है, खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट मैच खेले थे हालांकि कोई एक विकेट निकाले थे, और स्पिन बॉलिंग करवाएंगे। T10 में स्पिनर को मारना मैंने आपको बताया मुश्किल है, तो इनको विकेट मिल सकता है। लास्ट 5 मैचेस में ऑलरेडी ये बंदा 7 विकेट निकाल के आ रहा है, तो इनको मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर यहाँ से नगारवा के बारे में बात करें, लास्ट मैच में पिटाई हो गई बट बॉलर अच्छा है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, परफॉर्मेंस के बारे में 6 विकेट निकाले बट आपको और भी अच्छा करके दे सकते हैं। वहीं CM का ऑप्शन होने वाला है, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ यार थोड़े से रिस्की प्लेयर हो जाते हैं, पहले बॉलिंग में रखोगे तो फायदे में रहोगे, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। बर्जर एक अच्छे प्लेयर है, रिकॉर्ड भी इनका अच्छा रहा है, लास्ट मिनट में हमने रखा भी था और 86 पॉइंट ये दे गए। लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, लेकिन ओपन डेट में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, पीटर इस मैच में ट्रंप प्लेयर आपके लिए होने वाले, अगर रखना है तो इनको रखिए। लास्ट 5 मैचेस में हालांकि 3 विकेट निकाले बट T10 में स्पिनर को हिट करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से नगारवा और यहाँ से बर्गर जो है रहने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिनको इस मैच में मैं कैप्टन वाइस कैप्टन करूँगा और वो एक गेम चेंजर बन सकते हैं, देखिए कैप्टन मेरे यहाँ से सीन विलियम्स रहने वाले इस मैच में, लास्ट में भले ही बॉलिंग नहीं करी लेकिन इस मैच में करवा सकते। और वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरे मुजीब वाइस कैप्टन रहेंगे क्योंकि स्पिनर को हिट करना मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से गुरबाज एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम है, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं मैच के टाइम सीधे टेलीग्राम चैनल पे, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से और एक्टिव रहिएगा।